हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 5 नंबर बाल गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाना सीखेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमारी ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है। आप भी अपने बाल गोपाल जी के लिए इस तरह की ड्रेस बना के उनको पहना सकते हैं। और मैंने साथ ही साथ देखिए यहाँ पे स्टोन भी लगा रखे हैं। आप अपने हिसाब से ड्रेस को सजा सकते हैं जैसे आपको सजानी हो। मैंने ये 3 कलर से बनाई हुई है फ्रेंड्स, देखिए रेड कलर, क्रीम कलर एंड ग्रीन कलर। और देखिए आप इस ड्रेस को इस तरीके से भी रख सकते हैं, देखिए बिल्कुल फ्लावर लगेगी हमारे जैसे फ्लावर रखा हुआ हो। और आप इसे बिछा भी सकते हैं जैसे आपको रखनी हो उस तरीके से रख सकते हैं। और फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद भी आएगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2.5 mm का हुक लिया हुआ है और मैंने ये 5 नंबर बाल गोपाल जी की चोली बना के तैयार कर रखी है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। और चोली के लास्ट में मेरे पास 24 स्टिच आए हुए हैं, 12 हमारे फ्रंट पे आए हुए और 12 हमारे बैक साइड पे आए हैं। और मैंने यहाँ पे 2 प्लाई की ऊन ली हुई है। देखिए फ्रेंड्स, ये 2 धागे आपस में लिपटे हुए हैं तो हमारी ये 2 प्लाई की ऊन कहलाती है। देखिए इस तरीके से ये देखिए ये हमारी 2 प्लाई की ऊन है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। और हमें घेरा देखिए साइड से बनाना चाहिए ताकि हमारी घेरे में सफाई आए, इसलिए हम फ्रंट के 6 स्टिच छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7वीं चैन में अपना हुक डालेंगे और यहाँ पे धागा ज्वाइन करेंगे स्लिप चैन से। इस तरीके से धागा ज्वाइन कर दिया हमने, 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। जो हम 3 चैन बनाते हैं उसको डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में 1 बार बनाई है, अब दूसरी चैन में से हम 2 बार बनाएंगे। देखिए डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं, 3 लूप है, 3 में से 2 करें, 2 में से 1 कर दिया और इसी जगह से 1 बार और बनाएंगे इस तरीके से। अब 3rd चैन में 1 बार बनाएंगे और 4th चैन में हम 2 बार बनाएंगे, 3 में से 2 करें, 2 लूप रह गए, 2 में से हमने 1 कर दिया। देखिए इस तरीके से अब इसमें 1 बार और बनाएंगे, फिर 5वीं चैन में 1 बार बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हमने 1 बनाया था 1 ही चैन में से, फिर दूसरी चैन में से हमने 2 बार बनाए और 3rd चैन में से हमने फिर से 1 बनाया और 4th चैन में से हमने 2 बार बनाए और 5वीं चैन में से हमने 1 बार बनाया है। और इसी तरीके से 1 चैन में 2 बार बनाइए, 1 चैन में 1 बार बनाइए। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम वर्क के लास्ट में आ गए। स्टार्टिंग हमने 1 से करी थी और लास्ट हमारा 2 पे होगा। 1 ही चैन में से देखिए 2 आए हमारे। अब इसे 3rd चैन में हम ज्वाइन कर देंगे स्लिप चैन से, पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा धागा लगाएंगे और इस धागे को पीछे की तरफ कर देंगे, दबाएंगे नहीं हम इसको। देखिए रेड धागा लिया हमने अपना, इस वाले लूप में से निकाल देंगे और ये क्रीम कलर का धागा थोड़ा खींच लेंगे और यहाँ 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। जो हम 3 चैन बनाते हैं उसको डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, ये हमारा 1 हो गया। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे देखिए 1st रो में 1 बनाया था, अब दूसरी रो में हम 1 के ऊपर 2 बना देंगे इसी चैन में से, 3 में से 2 करेंगे, 2 में से 1 कर देंगे। ये देखिए 1 चैन के ऊपर हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये देखिए हमने 1 चैन में से 2 बनाए थे जो डबल क्रोशिया है, उसको हम फ्रंट पोस्ट करेंगे, बल लेंगे हुक पे। देखिए फ्रंट पोस्ट स्टिच बनाएंगे यहाँ पे, देखिए इसको हमने हुक पे लिया इस तरीके से, नीचे से हुक डालेंगे इसके, हुक पे ले लेंगे डबल क्रोशिया को और यहाँ धागा लेके बाहर आएंगे और थोड़ा लंबा करके बनाएंगे ताकि हमारी ड्रेस में खिंचाव ना आए। 3 में से 2 कर देंगे, 2 में से 1 कर देंगे, बनेगा वैसे ही डबल क्रोशिया, पर हमें इसे बस स्टिच पे लेना होता, हमें हुक पे लेना होता है इसको, चैन में से नहीं बनाते हम इसको। हुक पे लेंगे, धागा लेके बाहर आएंगे और 3 में से 2 करेंगे, 2 में से 1 करेंगे। इस तरीके से हमारी ये फ्रंट पोस्ट स्टिच होती है।
अब देखिए जो हमारा ये पहला डबल ये एक डबल क्रोशिया है, इसकी चैन में से हम दो बार बनाएंगे, एक और इसी जगह डाल के दो बार हो जाएंगे। देखिए अब ये दो फ्रंट ये दो डबल क्रोशिया आ गए हमारे, इसको हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। हुक पे लेंगे पहले इस तरीके से और थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे ताकि हमारी ड्रेस में खिंचाव ना आए। अगर हम इसे छोटा करके बनाएंगे तो हमारी ड्रेस खिंच जाएगी। और फिर नेक्स्ट वाली चैन में से एक बार दो बार बनाएंगे एक ही चैन में से। ये हम चैन में से बना रहे हैं दो, और दो हम फ्रंट पोस्ट कर रहे हैं इस तरीके से। फिर से लेंगे हम इसको हुक पे और देखिए धागा लेंगे, तीन लूप है, तीन में से दो करें, दो में से एक करा। देखिए स्टार्टिंग में हमने एक के ऊपर दो कर दिए, फिर जो हमारे दो डबल क्रोशिए थे उस उनको हमने फ्रंट पोस्ट बना दिया। फिर से हमने दो चैन में से बनाए, दो फ्रंट पोस्ट करें, दो चैन में से बनाए, दो फ्रंट पोस्ट करें, इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हम वर्क के लास्ट में आ गए, हमारा दूसरा रो भी कंप्लीट हो गया है। अब थर्ड चैन में डाल के इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए हमारा सीक्वेंस कैसे आना चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने दो चैन में से बनाए, दो फ्रंट पोस्ट करे, दो चैन में से बनाए, दो फ्रंट पोस्ट करे, और दो हमने स्टार्टिंग में चैन में से बनाए थे वो वाले हो गए। इसी तरह से हमारा सीक्वेंस आना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पे अपना ग्रीन धागा लेंगे, सॉरी पहले हम क्रीम कलर से बनाएंगे एक लाइन, पहले हम क्रीम कलर से बनाएंगे फिर ग्रीन धागा ज्वाइन करेंगे। रेड को हम पीछे की तरफ कर देंगे, दबाएंगे नहीं। तीन चैन बनाएंगे पहले हम, एक दो तीन, तीन चैन बनाई हमने। अब देखिए हमने एक के ऊपर दो बनाए थे, अब हमारे इस रो में दो के ऊपर हम तीन बनाएंगे। स्टार्टिंग में हमने एक बार बनाया, अब जो हमारी दूसरी चैन है उसमें हम दो बार बनाएंगे, एक सेम जगह से एक बार और बना देंगे दो। देखिए एक ही चैन में से हमने दो बार बना दिए, अब हमारे ये दो के ऊपर तीन हो गए। अब देखिए जो हमारे ये फ्रंट पोस्ट है हम इसको वैसे ही बनाएंगे, इसमें कोई हमें चेंज नहीं करना है। दो के ऊपर दो फ्रंट पोस्ट करेंगे, एक के ऊपर एक कर दिया। अब दूसरे वाले को हुक पे लेंगे और इसके ऊपर भी बना देंगे, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना। खाली हमें इसमें जो चैन में हमने दो डबल क्रोशिया बढ़ाए उसमें एक स्टिच हमें बढ़ाना है, दूसरे वाले पे बढ़ाना है। फर्स्ट वाला वैसे ही बनाएंगे, एक के ऊपर एक बनाएंगे, और जो दूसरा वाला है उसके ऊपर हम एक स्टिच बढ़ा देते हैं, एक हो गया। और इसी चैन में से डाल के एक बार और बना देंगे। जो भी हमारे स्टिच बढ़ेंगे वो हमारे इस वाली साइड ही बढ़ेंगे, जैसे कि नेक्स्ट वाले रो में हम इस वाली साइड पे बढ़ाएंगे तीसरे के ऊपर। दो के ऊपर हम दो ही बनाएंगे, तीसरे के ऊपर आके फिर बढ़ाएंगे। और देखिए फ्रंट पोस्ट करेंगे, देखिए फ्रेंड्स इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए रो कंप्लीट करेंगे। हमारा थर्ड रो भी कंप्लीट हो गया है। देखिए लास्ट में दो फ्रंट पोस्ट आए, अब यहाँ पे हम थर्ड चैन में ज्वाइन कर देंगे इसको, पीछे वाली चैन लूप में से निकाल देंगे। अब हम यहाँ पे अपना ग्रीन धागा लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे, और ये वाला क्रीम कलर का धागा खींच लेंगे अपना, पीछे की साइड कर देंगे इसको। रेड भी हमारा पीछे है, इन्हें दबाना नहीं है हमें अपना। देखिए तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, अब इस रो में देखिए हमने स्टार्टिंग में एक बनाया, अब दूसरी चैन में से भी हम एक बार बनाएंगे, और जो हमारी थर्ड चैन है तीसरा डबल क्रोशिया है उसकी चैन में से डाल के हम यहाँ पे दो बार बना देंगे, एक दो। देखिए
स्टार्टिंग में हमारा एक था, फिर हमने दो के ऊपर तीन कर सॉरी एक के ऊपर दो करे, दो के ऊपर हमने तीन कर दिए थे, अब तीन के ऊपर हमने चार बनाए, एक स्टिच हमारा यहाँ बढ़ गया। अब देखिए जो हमारे ये दो फ्रंट पोस्ट है हम उसको वैसे ही बनाएंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब देखिए तीन डबल क्रोशिया हमारे पहले चैन में से एक बार बनाएंगे और दूसरी चैन में से भी एक बार बनाएंगे, और जो हमारी थर्ड चैन है दूसरी चैन में से देखिए एक बार बनाएंगे, अब थर्ड चैन में से हम दो बार बना देंगे, एक दो। देखिए तीन के ऊपर हमारे चार हो गए, और इसी तरह से रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारा फोर्थ रो भी कंप्लीट हो गया है, थर्ड चैन में डाल के इसे ज्वाइन कर देंगे स्लिप स्टिच से। अब अपना क्रीम कलर का धागा लेंगे, इन धागों को हम पीछे की साइड कर देंगे, दबाएंगे नहीं, तीन चैन बनाएंगे। एक दो तीन, ये धागा खींच लेंगे थोड़ा सा, तीन चैन बनाई हमने, एक एक चैन में से हमने एक बार बनाया, अब दूसरी चैन में से एक बार बनाएंगे और थर्ड चैन में से भी एक बार बनाएंगे, जो हमारा फोर्थ डबल क्रोशिया है उसकी चैन में से हम दो बार बनाएंगे। अब ये हमारे चार के ऊपर पांच हो जाएंगे, देखिए चार बना लिए हमने और एक और बनाएंगे इसमें से, तो ये पांच हो जाएंगे। फिर दो फ्रंट पोस्ट हम वैसे ही बनाएंगे, एक इसको लेंगे हुक पे, फिर से हम पांच बना लेंगे, एक दूसरी चैन में से एक बार, थर्ड चैन में से भी एक बार और फोर्थ चैन में से हम दो बार बनाएंगे, एक सेम जगह से एक बार और बना देंगे। देखिए इन फ्रंट पोस्ट वैसे ही करेंगे, एक दूसरे को उठाएंगे हुक पे। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा वर्क आएगा, और इसी तरीके से मैं चार तीन रो और बना लूंगी, तो ये हमारी टोटल आठ रो हो जाएगी। हर बारी हम एक एक स्टिच यहाँ बढ़ाते जाएंगे, जैसे हमने अब इस रो में हमने पांच करे, फिर अगले रो में छह हो जाएंगे, सात हो जाएंगे, आठ हो जाएंगे, इसी तरीके से मैं तीन रो और बना लूँ। देखिए फ्रेंड्स मैं वर्क के लास्ट में आ गई हूँ और मैंने ये चार रो बना लिए हैं यहाँ पे, और हमारी ये टोटल रो आठ हो गई है। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, अब थर्ड चैन में लाके इसे ज्वाइन कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए हम पहले चार चैन बनाएंगे, एक दो तीन चार, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया माना जाएगा, और दो चैन और लेंगे गैप के लिए और दो बार बल लेंगे। देखिए डबल क्रोशिया बनाते तो हम एक बार बल लेते हैं, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे हम तो दो बार बल लेंगे और एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चैन में एक बार ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। फिर से दो चैन लेनी है हमें, दो बार बल लेंगे, एक चैन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, पहले दो में से निकालेंगे, फिर दो में से निकालेंगे, फिर लास्ट में दो में से, इस तरीके से निकालना है। फिर दो चैन दो बल, एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली चैन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो चैन दो बार बल लेंगे, एक चैन स्किप, नेक्स्ट वाली चैन में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बन जाएगा ये हमारा। फिर से हम दो चैन लेंगे, दो बार बल लिया, एक चैन स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो दो चैन एक चैन स्किप, नेक्स्ट चैन में से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक छोड़ देंगे।
एक छोड़ेंगे, फिर देखिए इस तरीके से आएगा ये हमारा, और इसी तरह रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हम वर्क के लास्ट में आ गए, लास्ट में आगे से देखिए फोर्थ चैन में ज्वाइन करेंगे, दो हमारी चैन यहाँ पे गैप के लिए भी है तो काउंट करके करेंगे, एक दो तीन, देखिए ये रही फोर्थ चैन हमारी, पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे। अब देखिए ये वाला धागा छोड़ देंगे और रेड वाला धागा लेंगे अपना नीचे से और इसे चेंज करेंगे। अब यहाँ पे हम तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चैन बनाई हमने ये। अब देखिए इस वाले जगह पे हम जहाँ हमने दो की चैन लिए वहाँ पे हम दो सॉरी फ्रेंड्स पहले हम स्लिप स्टिच करते हुए दो चैन के स्पेस में जाएंगे। देखिए पहले हम इस वाले जगह पे आएंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे एक बार इस तरीके से। अब हम देखिए दो चैन के स्पेस में आ गए, अब अपना लाल वाला धागा लेंगे, अब यहाँ पे तीन चैन बनाएंगे, अब तीन चैन लेंगे हम, एक दो तीन, तीन चैन ली हमने और इसी जगह पे हम दो और डबल क्रोशे बना देंगे तो ये टोटल हमारे तीन हो जाएंगे। देखिए एक हमने तीन की चैन ली थी और दो हमने डबल क्रोशे बनाए तो ये तीन हो गए। अब देखिए फ्रेंड्स जो हमारे ये उल्टे हाथ की तरफ का ये वाला ट्रिपल क्रोशिया है, ये ट्रिपल, इसमें देखिए बल लिया हमने, इसको हुक पे लेंगे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इस तरीके से, पकड़ लेंगे। देखिए एक दो तीन, चार, पांच, एक और बनाएंगे। तो देखिए हमारे जो हमारा ये उल्टे हाथ की तरफ का डबल ट्रिपल क्रोशिया था वहां पे हमने छह डबल क्रोशिया बनाए। अब देखिए फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स अब ये वाला ट्रिपल क्रोशिया है हमारा ये वाला, इसको हम देखिए इस तरीके से लेंगे हुक पे, देखिए ऐसे ऐसे लेंगे, इस तरीके से हुक डालेंगे हम। देखिए दोबारा से देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हुक पे ले लेंगे और यहाँ पे भी हम छह बार डबल क्रोश ट्रिप सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच और देखिए छह हो गए हमारे। देखिए कुछ इस तरीके से आएगा ये हमारा डिजाइन, ऐसे लगेगा ये। अब देखिए ऊपर आके अब हम ऊपर की साइड आ गए तो अब हमारा ये वाला लूप है, दो चैन के स्पेस में हम फिर से तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसा हमने स्टार्टिंग में करा था दो चैन के स्पेस में। अब यहाँ पे हम तीन बार डबल क्रोशिया बना देंगे, एक दो तीन, देखिए तीन बना दिए हमने। अब देखिए हमारे यहाँ पे ये वाला लूप छूट गया दो चैन के स्पेस का, एक हमारे यहाँ छूट जाएगा और अब ये वाला इधर की साइड वाला जहाँ पे हमारा हुक है, देखिए हुक के नीचे वाले ट्रिपल क्रोशिया को उठाएंगे और फिर से छह बार ट्रिपल वो डबल क्रोशिया बना देंगे, एक दो तीन चार
पांच, देखिए छह बना दिया हमने। छह बनाने के बाद फिर देखिए इस तरीके से पकड़ेंगे। अब ये वाला ट्रिपल क्रोशिया है, इसको हम देखिए इस पहले हम ड्रेस को ऐसे कर लेंगे, हमारे बनाने में आसानी होगी। ये देखिए बल लेंगे पहले हुक पे, फिर इस ट्रिपल क्रोशिया को हुक पे लेके यहाँ पे भी छह बार बना देंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। देखिए फ्रेंड्स, छह बार बनाने के बाद अब हम ऊपर की साइड आ गए। देखिए हम ऊपर की साइड आ गए। अब हमें नीचे जाने के लिए पहले यहाँ पे देखिए दो चेन के स्पेस में हमें तीन बार डबल क्रोशे बनाने होंगे। एक, दो, तीन। अब हमें नीचे जाना है। नीचे जाने के लिए पहले हम ये देखिए हुक के नीचे वाले ट्रिपल क्रोशे को उठाएंगे और यहाँ पे छह बार डबल क्रोशे बना देंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, देखिए छह बार बना दिए। अब हमें ऊपर जाने के लिए फिर से देखिए हम नीचे की साइड आ गए। अब हमें ऊपर जाने के लिए इस वाले ट्रिपल क्रोशे को उठाना है हुक पे। पहले हम बल लेंगे, देखिए पहले हम बल लिया हमने। इस वाले ट्रिपल क्रोशे को उठाएंगे हुक पे ऐसे करके। अब यहाँ पे हम छह टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, देखिए छह बार बना दिया हमने। छह बार बनाने के बाद हम ऊपर की साइड आ गए। अब ऊपर आने के बाद फिर हम यहाँ पे तीन बार डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो, तीन। अब हमें नीचे जाने के लिए हुक के नीचे वाले ट्रिपल क्रोशे को उठाना है। यहाँ पे छह बार फिर से बनाएंगे डबल क्रोशे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। छः बनाने के बाद फिर से हम देखिए ऊपर की साइड, फिर हम बनाते हुए नीचे से बनाते हुए ऊपर की साइड जाएंगे। हमें देखिए ऐसे नहीं लेना है, देखिए हमें इस तरीके से नहीं बनाना है। हमें देखिए ड्रेस को ऐसे कर लेंगे और यहाँ से ना डाल के इधर इस वाली साइड से डालेंगे। पहले हम बल ले लेंगे, फिर हम इधर वाली साइड से डाल के फिर ट्रिपल क्रोशे को पकड़ लेंगे, वो पकड़ के फिर बना देंगे हम यहाँ पे छह बार। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। फिर हम देखिए ऊपर की साइड आ गए। ऊपर की साइड आके अब हमें तीन डबल क्रोशे बनाने हैं। दो चैन के स्पेस में बनाएंगे हम। एक, दो, तीन। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा डिजाइन आएगा। देखिए जिग जैग की तरह आएगा ऐसे, और इसी तरीके से रो कंप्लीट कर। देखिए फ्रेंड्स, हम वर्क के लास्ट में आ गए। अब लास्ट में आके इसे कनेक्ट कर देंगे राउंड को। देखिए जो हमने स्टार्टिंग में तीन चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में डाल के स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और एक चेन लेके धागा कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अपना ग्रीन धागा लेंगे और देखिए हमारे दो चेन का स्पेस है। देखिए इस जगह पे ऐसे पीछे से हमें दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे हम अपना धागा ज्वाइन करेंगे।
देखिए दो चैन के स्पेस में हम धागा ज्वाइन करेंगे अपना, स्लिप चैन से हमने ज्वाइन कर दिया। अब तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन, ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए इसी जगह से हम चार डबल क्रोशिया और बनाएंगे, एक हमारा चैन वाला हो गया और चार और बनाएंगे तो ये पांच हो जाएंगे, दो तीन देखिए पांच बना दिए हमने। पांच बनाने के बाद देखिए तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन चैन बनाई हमने। अब यहाँ पे हम पीकॉक स्टिच बनाएंगे, देखिए दो लूप उठाएंगे, एक हम चैन वाला उठाएंगे, एक हम डबल क्रोशिया वाला उठाएंगे। देखिए ऊपर वाला दो लूप आ गए हमारे हुक में। अब धागा लेके बाहर आएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से पीकॉक स्टिच बनाएंगे, यह हमारी पीकॉक स्टिच कहलाती है। अब यहाँ पे हम फिर से पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच, देखिए इस तरीके से आएगा हमारा ये। पांच बनाने के बाद देखिए हमारा ये दूसरा वाला लूप है दो चैन का, यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए अब जो नेक्स्ट वाला लूप है हमारा इसके साथ वाला, यहाँ पे फिर से हम पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, एक दो तीन चार पांच बनाए। पांच बनाने के बाद फिर से तीन चैन लेंगे, फिर पीकॉक स्टिच बनाएंगे। ये देखिए दोनों बल ले लिए हमने ऊपर, धागा लेके बाहर आएंगे और सिंगल क्रोशिया से बना देंगे और फिर सेम जगह पे पांच बार डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर से, एक दो तीन चार पांच। देखिए फ्रेंड्स अब ये बनाने के बाद देखिए पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर जो हमारे इसके साथ वाला लूप है यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। हम देखिए एक में बना रहे हैं, एक में ज्वाइंट कर रहे हैं, एक में बना रहे हैं और एक में सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। फिर से देखिए फ्रेंड्स अब इस वाले लूप में हम पांच बार बनाएंगे, एक दो तीन चार, देखिए पांच बना लिए। पांच बनाने के बाद फिर तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। अब यहाँ पे दो लूप उठाएंगे और पीकॉक स्टिच बना देंगे और फिर से पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह पे ही, एक दो तीन चार पांच। देखिए पांच बनाने के बाद ये बनाने के बाद अब देखिए जो इसके साथ वाला लूप है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आएगा हमारा डिजाइन और इसी तरीके से रो कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स हम वर्क के लास्ट में आ गए, अब देखिए लास्ट में आगे से ज्वाइंट कर देंगे। देखिए हमने सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। अब जो हमने स्टार्टिंग में पहला डबल क्रोशिया बनाया था तीन की चैन ली थी उसकी थर्ड चैन में डाल के यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इसको और एक चैन लेके धागा कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने बैक साइड ले जाके सारे धागे कट कर दिए और हमारी ड्रेस बनने के बाद कुछ इस तरीके से लग रही है। आप इसको देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, फ्लावर की तरह लगेगी बिल्कुल, और आप इस तरीके से बिछा भी सकते हैं। वैसे ये इस तरीके से ज़्यादा सुंदर लगेगी हमारी ड्रेस। और फ्रेंड्स
अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा, और मेरे जो मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो सातवां आइकन पहल आता है उसको प्रेस करिएगा, मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा और आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। और मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स।